दोस्तों नमस्कार, मैं गिरीश राठौर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन वीडियोस में हैं और आने वाले वीडियोस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो आज मैंने जो वीडियो ये बनाया है इसमें करंट जीके, जीके, साइकोलॉजी और कुछ एक दो प्रश्न इंग्लिश के भी रखे हैं ताकि और विषयों को भी मैं टच करता चलूं। इसलिए तो चलिए टाइम को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले 69 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह कौन सा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो वर्ष 2500 का रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें से एक इसी तरह का क्वेश्चन आया था, बहुत ही सरल था। लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो ये वाला प्रश्न आया था जिसका आंसर था मंगल। तो हो सकता है इस बार भी ग्रहों से कोई एक प्रश्न ज़रूर आएगा, तो आप तैयार कर लीजिए। पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह कौन सा है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो ध्यान नहीं देते हैं वो यहाँ पर बुध लिखकर या ऑप्शनल होता है तो बुध पर टिक करके चले आएंगे, तो जबकि इसका आंसर शुक्र है। यहाँ पृथ्वी से पूछा गया है, ध्यान देने वाली बात है, सूर्य से निकटस्थ ग्रह नहीं पूछा गया। यदि यहाँ पर होता कि सूर्य से निकटस्थ ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर बुध होता, लेकिन जब पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह है तो शुक्र करोगे। आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको जान पड़ गया होगा कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। भारत का मानक देशांतर समय क्या है, सॉरी यहाँ पर देशांतर मानक के बाद और जोड़ लीजिएगा, भारत का मानक देशांतर समय क्या है, तो इसका आंसर है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। 82 से ही 1/2 पूर्वी देशांतर है, 82 से ही 1/2 पूर्वी देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। संघीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो जो फेडरल सिस्टम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के। संघीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो मैं आपको बता दूं, इससे जो रिटन एग्ज़ाम हो चुका है 68,500 का, तो उसमें ये वाला क्वेश्चंस आया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, फिर भी आ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूर्व महासचिव हैं उनका अभी शायद सितंबर के महीने में उनकी डेथ हो गई है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कौन थे जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया है, तो आप उसका ये क्वेश्चन जो है नोट कर लें आंसर, कोफी अन्नान। कोफी अन्नान पूर्व महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ था और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है फिर इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 प्रदान किए गए, तब भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य व भारत के किस शहर को स्वच्छता का पुरस्कार दिया गया। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पहले तो यही बन रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है अगर आ जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो जो 27 सितंबर 2018 को ये जो पुरस्कार दिए गए उनमें से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा है
किस शहर को स्वच्छता का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो 68,500 का रिटर्न हुआ था, जो भर्ती हुई थी, उसमें से इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता शहर की सॉरी भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रखा गया है। इस तरह से ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझको याद नहीं है। तो इसमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप ये समझिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इतना आप विश्वास करिए और ज़रूर तैयार करते रहिए। और यदि आपको लग रहा हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ लाइक भी कर दें, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है और लाइक के अलावा मुझे और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार तो आंध्र प्रदेश को मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और जो स्वच्छता में अग्रणी शहर है वो है इंदौर, इंदौर को स्वच्छता पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 23 सितंबर 2018 को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई, उसका नाम क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूरी आने की इसकी संभावना है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 23 सितंबर 2018 को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई, उसका नाम क्या है? क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और वो भी मोदी जी ने शुरू की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर आप अपने नोट्स में इसको लिखें। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, PMJAY, आप याद ऐसे भी रख सकते हैं, PMJAY से प्रधानमंत्री हो गया, JAY जन आरोग्य योजना, तो वो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो अब तक 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो चलिए अब 76 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए 76, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 76, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आप लोगों को पता है, योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, ये आपको डेट बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है, 1 जनवरी 2015 को ये हुआ है। ज़रूर आप इसे नोट करें, सॉरी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, आप देख रहे होंगे कितना ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। ODF का पूर्ण रूप क्या है? ODF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ODF का पूर्ण रूप क्या है, आपको पता होगा ODF का पूर्ण रूप क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री ODF का पूर्ण रूप होता है, आप इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? दरवाज़ा बंद अभियान के, ये दोनों क्वेश्चंस हमारे स्वच्छता से जुड़े हुए हैं इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो आपने एड में देखा जरूर होगा कि दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, फिर भी अब यदि आपको याद नहीं है तो आज आप इसको रट लीजिए, अमिताभ बच्चन व अनुष्का शर्मा जो हैं दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, कई बार टेट में ये आया हुआ है,
कई बार से मतलब है, दो दो या एक बार तो आया ही है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य, 2 से 8 अक्टूबर इसकी डेट है जब वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 80, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? यह भी हाल ही में ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया है, शायद जो है रेलवे का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया है, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो ये 2018 का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एना वर्न्स को यह गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, एना वर्न्स, याद रखना है, गोल्डन कौन सा पुरस्कार है, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार एना वर्न्स को दिया गया, किसके लिए दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो उपन्यास है मिल्क मैन, तो मिल्क मैन उपन्यास की खातिर इन्हें गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, एप्पल कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? एप्पल कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? टिम कुक। एप्पल कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं टिम कुक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, सीखना, ये हमारा साइकोलॉजी से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो डेफिनेशन है आती रहती है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना का है कि प्रक्रिया विकास की, तो ये आंसर इसका हो गया वुडवर्थ का, ठीक है, ये कथन जो है वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 83, ये हमारा इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, सी प्रिफेयर्स मैंगोज। अब जो भी जो 68,500 का रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है उसमें आपको पता होगा, आपने देखा होगा, एक प्रीपोजिशन 10 क्वेश्चंस में से एक प्रीपोजिशन भरने को आई थी, तो मुझे लगता है इस बार भी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आना चाहिए। सी प्रिफेयर्स मैंगोज डॉट डॉट ग्रेप्स, यहाँ हमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्रिफेयर एंड प्रिफरेबल ऑलवेज ब्रिंग्स टू प्रीपोजिशन, प्रिफेयर एंड प्रिफरेबल ब्रिंग्स स्पेसिफिक प्रीपोजिशन दैट इज टू, इनके साथ में एक विशेष प्रीपोजिशन आती है वो है टू, जहाँ कहीं पर भी आपको प्रिफर या प्रिफरेबल दिखाई दे तो आपको टू प्रीपोजिशन भर देनी है, प्रिफेयर या प्रिफरेबल, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन भर दी जाएगी। बस आप इतना याद रखें कि प्रिफेयर या प्रिफरेबल जहाँ दिया जाए वहाँ आपको टू भरनी है, इतना तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, फाइंड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मतलब होता है, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके 8 भाग होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार होते हैं, इनमें से आपको बताना है कि ऑलवेज क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, इस तरीके से आपको बताना है ऑलवेज किस श्रेणी में आता है। तो मैं आपको बता दूँ, ऑलवेज इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। अभी आगे मैं इंग्लिश टोटल इंग्लिश के ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब क्या होता है। अभी आप ये समझ लें कि यहाँ पे ऑलवेज एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, ही डाइड डॉट डॉट हिज कंट्री, इस सेंटेंस में भी हमें प्रीपोजिशन भरनी है, ही डाइड डॉट डॉट हिज कंट्री, तो देखिए एक मिनट, हाँ, ही डाइड डॉट डॉट हिज कंट्री, इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, जरा आप लोग गैस करिए, फिर आप बताना कि आपका गैस ठीक है या नहीं। ही डाइड, अब देखिए यहाँ पर बगैर सोचे संदेह यदि आपने ऑफ भर दिया
आपने देखा कि डैट के बाद ऑफ भरा जाता है, भर दिया, तो आपकी प्रीपोजिशन गलत हो जाएगी और आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें अगर थोड़ा सा भी आपने जो है ध्यान नहीं दिया तो मिस्टेक हो सकती है। तो ये उसी प्रकार की है। तो ही डाइड ऑफ नहीं, यहाँ पर दोस्तों फॉर भरेंगे, यहाँ फॉर प्रीपोजिशन भरी जाएगी, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। यदि डाइड के बाद में ब्लैंक है और कंट्री से पहले, डाइड के बाद में कंट्री से पहले ब्लैंक है, मतलब इस तरह से कह सकते हैं यदि कोई अपने देश के लिए मरता है तो वहाँ पर ऑफ नहीं फॉर का प्रयोग करते हैं, बीमारी से मरता है तो डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में, क्वेश्चन नंबर 87 लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय डॉट डॉट को जाता है, इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय डॉट डॉट को जाता है, तो ये सिद्धांत का श्रेय दोस्तों पियाजे को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह सिद्धांत या का श्रेय जो है पियाजे को जाता है। दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, केवल आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं होता है, तो आप प्लीज़ फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।